आलू कंपनी के मनमानी रवैये से रुष्ट हो भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान भूख हड़ताल पर बैठ धरना प्रदर्शन किए। इससे पूर्व भी श्री पासवान के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर वैद्यराज कृष्ण ने कहा कि कोइलवर से सहार तक सभी बालू घाटों पर स्टॉक चालू कराने के लिए बालू कंपनी के द्वारा नियम के विरुद्ध रैयतदारों से 15 लाख रुपए लिए गए हैं। वहीं चांदी व कोइलवर थाना क्षेत्र में कई बालू घाटों पर बालू कंपनी नियमों की अनदेखी कर बालू का भंडारण कर रही है। जो नौजवान हैं, उनको काम मिले, मजदूर हैं, उनको काम मिले, इसके लिए आज एकजुट होकर के सरकार से लड़ने जा रहे हैं। तो भारतीय क्रांतिवीर पार्टी संदेश भोजपुर की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। मुख्य प्रयोजन है कि अभी ब्रॉडसन कंपनी जो स्टॉक करना था उसे स्टॉक करने वाले को सब भाइयों को यहां से भगा दिया, मजदूर को सबको भगा दिया, सब मजदूर और जो भी लोग स्टॉक करके जीते खाते थे गरीब बेरोजगार उन लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये जो है ब्रॉडसन कंपनी और खनन विभाग दोनों मिल करके, इसीलिए आज हम लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। इन लोगों को काम दिया जाए, गरीब को, बेरोजगार को, अन्यथा यहीं हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। एक आए हैं अभी जो प्रमोद कुमार जो निदेशक है, उप निदेशक, ये वार्ता के लिए आए थे। ये अभी बोले कि मैं कोइलवर जा रहा हूँ, उससे समस्या है, सीओ से भी बैठ के बात करना है, उन समस्या को मैं दूर करते हुए उनको लेकर फिर यहाँ आऊँगा और यहाँ फिर बैठ करके बात होगा। इतना आश्वासन दे करके अभी कोइलवर गए हैं प्रमोद जी आए थे। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, ग्राम कैचक, थाना संदेश, जिला भोजपुर।